राजस्थान का मुख्यमंत्री कार्यालय अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के जोधपुर हाउस से संचालित होने की संभावना है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के चलते दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम गहलोत आज जोधपुर हाउस में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुला सकते हैं। वे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ थानागाजी जाने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले पार्टी से मिली जिम्मेदारी के चलते अब कुछ दिनों तक वे यहीं रुक सकते हैं और साथ ही सीएमओ के अधिकारी फाइलों के साथ जोधपुर हाउस पहुंचेंगे। इस दौरान गहलोत ने सीएमओ में विशेष सचिव आरती डोगरा और संयुक्त सचिव राजन विशाल के साथ एक बैठक भी बुलाई। इससे पहले कई प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के खास दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब कुछ दिनों तक जोधपुर हाउस से सीएमओ संचालित हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत चुनावी जिम्मेदारियों के चलते दिल्ली में मौजूद हैं। अब कुछ दिनों तक चूंकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद रहेंगे और इसी के तहत सभी प्रशासनिक काम दिल्ली से ही मुख्यमंत्री संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी जिम्मेदारियों के चलते दिल्ली के दौरे पर हैं और इसी के तहत अगले कुछ दिनों तक सीएमओ का सारा काम जोधपुर हाउस से ही संचालित होगा। और आज अशोक गहलोत ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि कुछ दिनों के लिए दिल्ली में मौजूद हैं और इसीलिए जोधपुर हाउस से ही सीएमओ का सारा काम संचालित होगा और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए गए और आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें राजस्थान की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के खास निर्देश दिए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से एवं संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत किरण, चूंकि अशोक गहलोत दिल्ली में ही मौजूद है, तो क्या संभावना है अगले कुछ दिनों तक जोधपुर हाउस से ही सीएमओ का सभी काम संचालित होगा और आज क्या कुछ बैठक का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में ही रहेंगे, अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 23 तारीख तक, जब तक कि अंतिम जो है परिणाम नहीं आ जाता और वोटिंग नहीं हो जाती, उसके बाद तक मुख्यमंत्री यहाँ रह करके अन्य जो दल है उनसे सामंजस्य किस तरीके से बिठाया जाए सरकार डालने को लेके वो यहाँ रुके हुए हैं। ऐसे में सीएमओ के तमाम जो काम है वो दिल्ली से ही किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइलें जो है कल दिल्ली तमाम जो फाइलें हैं वो मंगा लेंगे, जो जरूरी काम है वो यहाँ से किए जा रहे हैं, एक एक करके अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, उनसे बैठक ली जा रही है, चर्चा की जा रही है। जो जी फिर जिस तरह से थानागाजी में जो मामला हुआ और जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ ही दिल्ली पहुंचे थे इस मामले के बाद, जब राहुल गांधी थानागाजी में पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचे, तो क्या उम्मीद है जो बैठक बुलाई जा रही है, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को जोधपुर हाउस में बुलाया जा रहा है, क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ खास निर्देश दिए जा सकते हैं प्रदेश के मुखिया की तरफ से? जी बिल्कुल, कल भी इस मामले को लेके एक बैठक हुई थी जिसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको कुछ निर्देश दिए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि जो भी पीड़ित है जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे उसे तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए, उसमें किसी भी तरीके की देरी ना की जाए, और इसके साथ ही महिला जो पीड़ित है या जिस तरीके से महिलाओं को लेके कोई भी कंप्लेंट हो उसमें जरा भी जो है देरी ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद जो है अगले कुछ दिनों तक जो है राजस्थान में पूरी तरीके से रखे जाए, जब तक कि मुख्यमंत्री प्रदेश में लौट करके नहीं आ सकते। ऐसे में जो तमाम जो बैठकें हैं वो दिल्ली से ली जा रही है, सीएमओ के अधिकारियों को जो है दिल्ली बुलाया जा रहा है, और जो भी जरूरी काम है सुरक्षा व्यवस्था के या कहीं भी कोई चूक है प्रशासनिक जो ढिलाई है उसको देखते हुए यहाँ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश को मुख्यमंत्री की कमी जो है महसूस ना हो और कोई भी जो काम है वो उसमें देरी ना हो पाए। जी
प्रीत, जिस तरह से आपको भी पता है कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत तो कांग्रेस में कद्दावर नेता माने जाते हैं, अपने आप का एक रुतबा रखते हैं, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में ही चुनाव के नतीजों के लिए नहीं बल्कि देश भर के लोकसभा चुनाव को लेकर और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर राहुल गांधी ने खास तौर पर प्रदेश के मुखिया को दिल्ली में रहने को निर्देश दिए होंगे? जी बिल्कुल, आगामी जब तक नतीजे ना आ जाएं 23 तारीख तक, तब तक निर्देश दिए गए हैं दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए। ऐसे में सोनिया गांधी ने 4 सदस्यीय जो टीम बनाई है, जिसमें अहमद पटेल, पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल है, इन तमाम नेताओं को जो अन्य दल हैं, जो छोटे दल हैं, जैसे कि पहले भी सामंजस्य साधते रहे हैं और कुछ अन्य प्रदेशों के जो इंचार्ज रहे हैं कांग्रेस की ओर से, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से छोटे दलों को नतीजे आने से पहले ही साथ लिया जाए, ताकि अगर बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरती है तो कांग्रेस आगे बढ़ करके छोटे दलों के साथ में और उनके दावा पेश करने से पहले, राष्ट्रपति के पास पहुंचने से पहले, उन तमाम दलों को अपने साथ लेके सरकार बनाने का एक दावा पेश कर दे। ऐसे में अशोक गहलोत की एक बड़ी भूमिका है, ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो प्रदेश ही नहीं देश भर की रणनीति में, राजनीति में एक अहम भूमिका रखते हैं, इसलिए उनको दिल्ली में रोका गया है। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार हमें अपडेट करते रहें। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि जोधपुर हाउस से ही सीएमओ का काम संचालित हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए।